उनकी बात। नमस्कार, इस विशेष समाचार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल और मेरे साथ है मेरी सहयोगी बीना। और आइए आप देखते हैं क्या है इस समय की हेडलाइंस। चक्रवाती तूफान सित्रांग ने दी बांग्लादेश में दस्तक। तूफान बांग्लादेश के दक्षिण पश्चिमी तट से टकराया, कम से कम 5 लोगों की मौत। तूफान दोपहर तक कमजोर पड़ने की संभावना। भारत सहित दुनिया के कुछ हिस्सों में दिखेगा आंशिक सूर्य ग्रहण। भारत में सूर्य ग्रहण शाम 4:29 से शाम 5:42 तक दिखेगा। ऋषि सुनक आज बकिंघम पैलेस में किंग चार्ल्स से मुलाकात के बाद बनेंगे ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने पर ऋषि सुनक को दी बधाई। कहा, वैश्विक मुद्दों पर एक साथ मिलकर काम करने और रोडमैप 2030 को लागू करने के लिए उत्सुक। केन्या में 2 भारतीय लापता। सरकार लगातार बनाए हुए है केन्या सरकार से संपर्क। केन्या पुलिस की आंतरिक मामलों की इकाई भी जांच में जुटी। दिवाली की रात दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण बढ़ा। दिल्ली नोएडा में वायु गुणवत्ता बहुत खराब की श्रेणी में दर्ज। और आईसीसी T20 विश्व कप में आज मेजबान टीम ऑस्ट्रेलिया का श्रीलंका से होगा मुकाबला। ऑस्ट्रेलिया पहली जीत हासिल करने की करेगी भरपूर कोशिश। वहीं पहले मैच में जीत दर्ज कर चुकी श्रीलंकाई टीम के हौसले बुलंद। और आइए खबरों को अब विस्तार से देखते हैं। चक्रवाती तूफान सित्रांग ने बांग्लादेश में दस्तक दे दी है। यह तूफान बांग्लादेश के दक्षिण पश्चिमी तट से टकराया है। चक्रवात सित्रांग की वजह से दक्षिण पश्चिमी तटीय जिलों में पहले से ही चक्रवात का प्रभाव दिखाई देने लगा, जबकि ढाका सहित देश के अधिकांश हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। बांग्लादेश में चक्रवात सित्रांग के दस्तक देने के बाद कम से कम 5 लोगों के मरने की खबर है। बरगुना, नरैल, सिराजगंज जिलों और भोला के द्वीप जिले में 5 लोग मारे गए हैं। राहत और बचाव कार्य जारी है। बांग्लादेश में चक्रवात के टकराने से पहले कल 2,19,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। भारतीय मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि चक्रवाती तूफान सित्रांग के आज दोपहर बाद निम्न दबाव के क्षेत्र में तब्दील होकर कमजोर पड़ने की संभावना है। वहीं मेघालय में आपदा प्रबंधन अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है, क्योंकि सित्रांग चक्रवात से राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना है। मेघालय में बांग्लादेश की सीमा से लगे कम से कम 4 जिलों में प्रशासन ने चक्रवात के मद्देनजर आज सभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद रखने का निर्देश दिया है। मौसम विभाग ने चक्रवात के कारण अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई है। चक्रवात सित्रांग को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बारिश की संभावना के बीच लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। भारत सहित विश्व के कई देशों में आज आंशिक सूर्य ग्रहण देखा जा सकेगा। देश में पूर्वोत्तर को छोड़कर कई भागों में लोग शाम 4:29 से लेकर शाम 5:42 तक सूर्यास्त होने तक सूर्य ग्रहण देख सकेंगे। भारत में जिन शहरों में सूर्य ग्रहण देखा जा सकेगा उनमें द्वारका, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, सूरत, पुणे, जयपुर, इंदौर, ठाणे,
भोपाल, लुधियाना, आगरा, चंडीगढ़, उज्जैन, मथुरा, पोरबंदर, गांधीनगर, सिलवासा और पणजी शामिल हैं। ओडिशा सरकार ने सूर्य ग्रहण के कारण आज सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। सभी सरकारी कार्यालय, स्कूल कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान, अदालतें, बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान बंद रहेंगे। वहीं तमिलनाडु में दीपावली के कारण शिक्षण संस्थानों में आज अवकाश रहेगा। इसकी भरपाई के लिए 19 नवंबर कार्य दिवस होगा। और हिमाचल प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन भरने का आज आखिरी दिन है। प्रदेश में 12 नवंबर को मतदान होना है। कांगड़ा से विधायक पवन काजल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की मौजूदगी में अपना नामांकन दाखिल करेंगे। पवन काजल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। ऋषि सुनक आज सुबह बकिंघम पैलेस में किंग चार्ल्स से मुलाकात के बाद ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बन जाएंगे। निवर्तमान प्रधानमंत्री लिज ट्रस आज अपनी कैबिनेट की अंतिम बैठक लेंगी और ब्रिटेन के समय के अनुसार 10:15 बजे प्रधानमंत्री आवास तथा कार्यालय के बाहर अपना विदाई बयान देंगी। लिज ट्रस ब्रिटेन के इतिहास में सबसे कम अवधि केवल 44 दिनों तक प्रधानमंत्री पद पर रहीं। बाद में वे बकिंघम पैलेस में किंग चार्ल्स से प्रधानमंत्री के तौर पर अपनी अंतिम मुलाकात करेंगी। कंजर्वेटिव पार्टी का नया नेता चुने जाने के बाद ऋषि सुनक ने आर्थिक संकट के बीच ब्रिटेन में स्थिरता और एकता का संकल्प लिया। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि ब्रिटेन महान देश है और इसमें कोई शक नहीं है कि हम गहरे आर्थिक संकट का सामना कर पाएंगे। सुनक ने पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के प्रधानमंत्री पद की दौड़ से नाम वापस लेने के बाद एक अन्य उम्मीदवार पैनी मॉर्डॉन्ट को पराजित किया। पैनी न्यूनतम सांसदों का समर्थन प्राप्त करने में विफल रहीं। ऋषि सुनक ब्रिटेन के भारतीय मूल के पहले प्रधानमंत्री होंगे। 42 वर्षीय सुनक 2 महीने के अंतराल में ब्रिटेन के तीसरे प्रधानमंत्री बनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऋषि सुनक को बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट किया कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनने पर ऋषि सुनक को बहुत बहुत बधाई। वैश्विक मुद्दों और रोडमैप 2030 को लागू किए जाने को लेकर मैं मिलकर काम करने को उत्सुक हूं। हम अपने प्राचीन संबंधों को आधुनिक साझेदारी में बदल रहे हैं। ऐसे में भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिकों को विशेष रूप से दिवाली की शुभकामनाएं। भारत सरकार 2 लापता भारतीय नागरिकों मोहम्मद जैद समी किदवई और जुल्फिकार अहमद खान की तलाश के सिलसिले में लगातार केन्या सरकार के संपर्क में है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि भारत में केन्या के उच्चायुक्त भी दोनों व्यक्तियों के परिवारों से संपर्क बनाए हुए हैं। विदेश मंत्रालय ने रविवार को केन्या के उच्चायुक्त को बुलाकर इस मामले में भारत की चिंता से उन्हें अवगत कराया। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा है कि केन्या पुलिस की आंतरिक मामलों की इकाई इस सिलसिले में जांच कर रही है। केन्या की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों भारतीय नागरिक सूचना और संचार प्रौद्योगिकी दल के सदस्य के रूप में राष्ट्रपति विलियम रूटो के चुनाव अभियान में शामिल होने के लिए वहां पहुंचे थे। और अब आइए नजर डालते हैं डीडी प्रीमियर्स पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी प्रीमियर्स और आपके साथ मैं हूं शहला निगाल। अपने इस खास प्रोग्राम में हम बात करते हैं दूरदर्शन के विभिन्न नेटवर्क्स पर प्रसारित होने वाले शानदार धारावाहिकों की। तो शुरुआत करेंगे धारावाहिक कॉरपोरेट सरपंच के साथ। इस धारावाहिक में आज आपको देखने को मिलेगा कि सरपंच ने कीर्ति पर फैसला सुनाने के लिए पंचायत की बैठक बुलाई है।
इधर इंद्रेश ने कीर्ति के पिता महेंद्र सिंह को अगवा करने की पूरी तैयारी कर ली है। और गांव वालों को बोलो पंचायत में इकट्ठा हो जाए और कीर्ति का सारा हिसाब किताब वहीं होगा जी। उसके बाद मैं कीर्ति से कहूंगा कि यदि अपने पिताजी को सुरक्षित वापस चाहती हो तो मेरा घर सिंह साहब से मुझे वापस दिलाओ, तब देखते हैं वो क्या करती है। आपके गांव ने, आपके पंचायत ने हमें कौन सा सम्मान दिया है जो हम उनको सम्मान देने चले हैं? मुझे भी लगता है कि तुम्हें पंचायत में जाना चाहिए, पंचायत का सम्मान करना चाहिए। भाई ये साबित हो गया कि गांव वाले खुश हैं, अपनी जिंदगी से खुशहाल हैं। तो अब क्या करेगी कीर्ति, कैसे करेगी अपना बचाव, जानने के लिए देखिए धारावाहिक कॉर्पोरेट सरपंच सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे डीडी नेशनल पर। और दूरदर्शन की खास प्रस्तुति धारावाहिक बालकृष्ण में आज आपको देखने को मिलेगा कि अपने गुरुदेव के साथ मिलकर कृष्ण को मारने की एक नई योजना बना रहा है कंस। उधर गोकुल में धनुपति को अपनी शक्तियों का एहसास करा रहे हैं बालकृष्ण। कक्ष में एक योजना आई है गुरुदेव, केवल उसके कारण इसको मैं जीवन दान दे सकता हूँ। अरे काना, तुम इतनी सामग्री कहाँ से ले आए? किसी ने हृदय खोल के आपकी सहायता की है। ये बताओ, यहाँ पर एक बहुत बड़ा विशाल घर था, मेरे कहाँ गया, मेरा सामान कहाँ? ये तो तुमने जादुई अस्त्र उठा लिए। इस कवच के बाहर तुझे आना ही पड़ेगा, तुझे तेरी मृत्यु ने बुलाया। तो अब आगे क्या होगा, क्या कंस अपनी चाल में कामयाब हो पाएगा, जानने के लिए देखिए धारावाहिक बालकृष्ण सोमवार से शुक्रवार 9:00 बजे डीडी नेशनल पर। तो दूरदर्शन के विभिन्न नेटवर्क्स पर प्रसारित होने वाले इन शानदार धारावाहिकों का आप उठाते रहिए आनंद, हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। और अब खबर क्रिकेट के मैदान से। T20 विश्व कप में मेजबान ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला आज श्रीलंका से होगा। न्यूजीलैंड से पहले मैच में हार के बाद ऑस्ट्रेलिया पर मैच जीतने का दबाव होगा। पर्थ में खेले जाने वाले इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलियाई टीम की कोशिश प्रतियोगिता की पहली जीत दर्ज करने की होगी, जबकि श्रीलंका लगातार दूसरी जीत हासिल करना चाहेगी। ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर मिशेल मार्श ने संकेत दिया है कि गत चैंपियन श्रीलंका के खिलाफ उसी प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरेंगे जो पिछले मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ उतरे थे। ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर मिशेल मार्श ने पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग के कैमरन ग्रीन को टीम में शामिल होने के सुझाव को खारिज कर दिया। पॉन्टिंग ने ग्रीन को स्थानीय खिलाड़ी होने के कारण मौका देने को कहा। दिल्ली और नोएडा के कई इलाकों में वायु प्रदूषण एक बार फिर से बढ़ गया है। कुछ इलाकों में AQI 400 के पार पहुंच गया, जो कि बेहद खराब स्तर की श्रेणी में आता है। दिल्ली में आज सबसे ज्यादा प्रदूषण पूसा में रहा, यहां AQI 420 के स्तर पर पहुंच गया। बीते कुछ दिनों में दिल्ली में प्रदूषण का स्तर कम हो गया था, लेकिन अब फिर से हवा जहरीली बनने लगी है। इस समाचार बुलेटिन में बस इतना ही, हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।